हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेब आमिर ब्लॉग में आपका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। और सुबह का वक्त है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ते में आज छोले पूरी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, ऐसा मौसम है कि हम लोग घूमने जा सकते हैं। तो घूमने लायक अगर मौसम है तो जाना चाहिए घूमने के लिए। और अगर आसपास पानी भरा है तो अपने घर में चुपचाप बैठे रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं आई हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने, ज़रूरी कुछ गॉसिप कर लेते हैं बैठ के, क्योंकि आप लोगों से बातें नहीं हो पाई हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि मेरे चैनल पे आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियो मिलती रहें, और हम लोगों का जो साथ है एक दूसरे से, जो कनेक्शन है वीडियो के थ्रू, वो बना रहे ऐसे ही। तो अभी फ़िलहाल चंद्रयान 3 की वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी ज़ोरों शोरों से यूट्यूब पर आ रही है, और जिस को देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है कि चंद्रयान 3 यहाँ से जा चुका है और अब इस वक्त आसमान में उड़ रहा है। और दुआ करूँगी इंशाल्लाह कि हम लोग सक्सेस हो जाएं, सक्सेसफुली वो लैंड हो जाए चाँद पे, और पता चले कि आगे चाँद पे क्या क्या चीज़ें हैं हमें देखने को मिलें। तो किस किस को एक्साइटमेंट थी चंद्रयान 3 की और अब वो जा चुका है यहाँ से, इंडिया से वो जा चुका है, तो आप मुझे ये बताइए कि किस किस को अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। और मैंने मिशन मंगलम मूवी भी देखी है, तो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो ज़रूर देखना मिशन मंगलम 2, बहुत अच्छी मूवी है। सबने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है, और आप लोग ज़रूर देखना उसको जाकर। तो आप लोग आए हो अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और सुरक्षित होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें। अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा दिल्ली NCR में काफ़ी पानी आ चुका है, तो काफ़ी लोगों की जो झुग्गी झोपड़ी थी वो डूब चुकी हैं। उस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम तो अपने घर में सेफ़ हैं, 4 दीवारी में रहते हैं, हमें छत भी दी है अल्लाह ने, और 2 टाइम का खाना हमें दिया है, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं अल्लाह करम से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है टाइम से, और छत भी नहीं है उनके पास, तो उन लोगों के लिए सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऊपर वाला किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, तो अल्लाह जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दे, जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक हो जाए। और इस महीने आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है देखने के लिए, तो बने रहना मेरी वीडियो में। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है, और आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करेंगे तो मेरा आगे मन करेगा वीडियो अपलोड करने का, वरना तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी और फिर वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगी। तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहें मेरे चैनल पर। और आज का आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और हो सके तो अपने एक फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को, किसी को भी शेयर कर देना, ताकि मुझे अच्छा लगे और मुझे लगे कि आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और बने रहना मेरे चैनल पे, मिलते हैं आपसे जल्दी। आप सभी को ज़ेब आमिर का अल्लाह हाफिज़।